बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसके पास भी एक्स्ट्रा टर्की बच गई है ना, तो उसमें सेज, रोजमेरी, थाइम, बेजल, मतलब सोया जिसको दिल बोलते हैं यहाँ पे, दिल, सलांट्रो, और ये बेजल है, बेजल लीफ, इन सबको चॉप करके ना टर्की में मिला लें। जो भी एक्स्ट्रा आपकी बे कोई भी टर्की बच गई, उसमें से जो टर्की की स्मेल आती है नेक्स्ट डे, क्योंकि बे कोई भी होती है, अब उसके आप आगे पूरी वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। रोजमेरी, सेज एंड थान, इनको सबको छोटा छोटा चॉप कर दें। देखो टर्की की टांग बच जाए ना, वो मौली को डाल दें आप। ये टर्की की टांग है, वो खा रही है मौली। सुल्तान जो है नाते सुन रहा है, ये बैठा इंसान तो इंसान, जानवर भी टर्की को पसंद कर रहे हैं। मौली शौक से खा रही है। दोस्तों टर्की जो है ये देख रहे हैं, इसके अंदर हम मैरिनेट कर रहे हैं। ओरिगानो है इसके अंदर, टाइम है, थाइम है, बेजल है, काफ़ी हर्ब डलिंग है, लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, लाइम है, लीमू है। ये टर्की है, ऑलरेडी बेक हुई हुई है। दोस्तों हम टर्की बना रहे हैं और उसमें थोड़े थोड़े ये मसाले डालेंगे ना हम। ये तंदूरी है, चिकन तंदूरी है, टिक्का है, सीख कबाब है, गरम मसाला है, टिक्का बोटी है, बिहारी कबाब है, लजीजा बिहारी कबाब, बिहारी कबाब, बिहारी कबाब लजीजा, ये थोड़े थोड़े सारे मसाले लगाएंगे ना टर्की के अंदर। दोस्तों इसके अंदर अब ड्राई हर्ब भी मिला रहे हैं हम। ये थाइम है, ये रोजमेरी है, स्वीट बेजल है, ओरिगानो है, और इसके अंदर हमने गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर, धनिया, गरम मसाला, सारे मसाले जो डाल सकते थे टर्की के अंदर डाले।
वीडियो को आखिर तक देखिएगा इंशाल्लाह ताला। इसमें नींबू वीबू सब डाला हुआ है, मसाले इसको फिर मिक्स करके जो है इसको पूरी रात रखा जाएगा, सुबह ये फ्राई होगा। ठीक है, ये याद रखिए मैरिनेशन ज़्यादा देर रखनी है क्योंकि ये टर्की है। दोस्तों हमने रात भर जो है इसको जो है टर्की को मैरिनेट करके फ्रिज में रखा हुआ था रात भर। अब इसके ऊपर हमको अंडा नहीं डालना है, इसके अंदर हम मैदा और कॉर्नफ्लावर और ये थोड़ा सा मतलब जो है गीला गीला सा होगा तो इसको ये चिपक जाएगा, फिर इसको हम फ्राई करेंगे ना, क्योंकि ये टर्की है और ड्राई मीट होता है। और वीडियो को पूरी तरह आखिर तक देखिएगा इंशाल्लाह ताला, तो बेहतरीन टर्की आप भी बनाना सीख जाएंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला वगैरह लग गया, तेल भी गर्म हो गया और ये मैदा और कॉर्नफ्लावर है इनको मिक्स करना है अच्छी तरह, और फिर मिक्स करके इस पर चिकन पर हमने इस तरह से टर्की पर डालना है, फिर इसके बाद फ्राई होगा। जी दोस्तों टर्की हमारी मैरिनेट हो गई है, इसके ऊपर मैदा और कॉर्नफ्लावर लग चुका है, चूल्हा बिल्कुल हाई फ्लेम पे देख सकते हैं आप, और ट्रे भी लग गई है। सुबह के 9:57 हुए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तेल आँच पे इस तरह से इसको डालना, ये टर्की है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इस पे चीज वगैरह डाल के बेक भी की जाएगी, ओवन में भी डाली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत कलर आ रहा है, ये देख रहे हैं टेस्टी भी हो रहा है, और ये ऑलरेडी बेक हुई भी है तो इतनी बनाने की जरूरत नहीं है। देखें इस तरह से, तो ये स्पाइसी भी है, फ्लेवर वाइज भी है, तो इसको जैसे कलर आ गए, ये कलर आ गए इसको निकाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टर्की है वो अच्छे से जो है वो फ्राई हो गई है, कुटिंग भी और मसाला भी और फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में जो टर्की की छोटी छोटी बोटियाँ थी उसको अलग पैन में कर लिया है, और कुछ को हमने ये इसके अंदर मीट है सारा, ये देख रहे हैं आप, ये मीट है कि इसको इस तरह बॉल की सूरत में इसके अंदर डाले हमने, आपस में जोड़ के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं टर्की के, ये आ रहे छोटे छोटे टुकड़े हैं टर्की के, उनको इस तरह से गोला बना के थोड़ी सी देर में तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये सारा टर्की है, ब्रेस्ट है ना, ये तो खुल जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो इनको इस तरह से हमने बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह और ये हमारे टर्की बॉल भी और टर्की भी, ये देखने ये लुक्स आ गई है। अब इसको आप जिस तरह से चाहें, चीज़ टॉपिंग करके खाएं और बारबेक्यू से खाएं, बफलो से खाएं, हॉट सॉस से खाएं, और मेरे कंधे पे सुल्तान है वो भी मतलब जो आवाज़ें निकाल रहा है। इंशाल्लाह ताला वीडियो ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग इसी तरह बनाएंगे। जज़ाकअल्लाह फॉर वॉचिंग। ये इस तरह से It looks good. It's delicious.
अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बारबेक्यू टर्की फ्राई हो चुकी है, बड़ी क्रिस्पी है और बड़ा इसके अंदर फ्लेवर आ रहा है, बेजल, थाइम, ओरिगानो, सेज, सिलांट्रो, इटालियन काफ़ी अर्ब इसके अंदर डले हुए हैं और क्रिस्पी है। सुल्तान भी हमारे कंधे पे बैठे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आए, तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा कि टर्की में बहुत ज़्यादा मीट होता है, बहुत गोश्त होता है और पूरी टर्की ख़त्म नहीं हो पाती। तो जिनकी टर्की फ्रिज में रखी हुई है तो उस टर्की को इस तरह से, जिस तरह से ये मेरी रेसिपी है आप लोगों के लिए, इस तरह से बनाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत इंजॉय करेंगे। तो आप यही कहेंगे कि हमने सारी टर्की ऐसी ही क्यों नहीं बनाई जैसे सफदर भाई ने दी है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।